हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं बारी और ये यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, और मम्मी गई है सालपेट लाने। और अभी मैं बैठी हूँ छाँव में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं गई थी बारी। ऐसे घर में रहते रहते इंसान बोर हो जाता है। मैं हमेशा दिन रात एकदम घर में रहती हूँ, हमेशा घर में पैक। पाप है, मतलब बाहर भी नहीं निकलना है ऐसा कुछ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे मन करते रहता है कहीं कहीं जाने का, घूमने फिरने का। तो हाँ, आज भी मन कर रहा था, तो मम्मी जा रही थी बारी। हम लोग का एक ही बारी है, ज़्यादा नहीं है, एक बारी है जहाँ पे मम्मी कुछ कुछ लगाते रहती है अपना, मतलब ऐसे घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए हो जाएगा, इस वजह से कुछ कुछ लगाते रहती है। तो जा रही थी तो मैं भी ऐसे चली गई। तो मतलब थोड़ी दूर है हम लोग का बारी, तो मतलब ये मेरे हस्बैंड थे वो लेके गए थे, तो मैं भी गाड़ी में जा रही थी तो मैं भी चली गई और गई। उसके बाद फिर ऐसे मैं बहुत देर वहाँ बैठी, मम्मी काम कर रही थी, मैं भी कुछ कुछ करती हेल्प। और उसके बाद मतलब बीन बीन लगा रही थी, बीन तो लगाई। उसके बाद बहुत देर हो जाता लगाते लगाते, तो मेरे को ब्लॉग एडिट करना था और 5 बजे अपलोड भी करना है था। मतलब मैं सुबह में करती थी पहले 10 बजे, बट अब मैं 5 बजे अपलोड करूँगी और कर मतलब 5 बजे अपलोड करूँगी, क्योंकि मतलब सुबह वाला मेरे को ठीक नहीं लगता। सुबह में मैं बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि सुबह का खाना मेरे को बनाना रहता है, और ये शाम वाला मेरे को टाइम मिल जाएगा। इस वजह से मैं सोची कि नहीं, सुबह में शाम में अपलोड करूँगी 5 बजे। तो आज से मेरा ब्लॉग, मतलब आज से नहीं, कल ही से मेरा ब्लॉग मतलब अपलोड हो रहा है 5 बजे। तो मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना था, तो मुझे घर आना था, लेकिन मैं कैसे आती अकेले, मम्मी का काम था वहाँ पे। तो मेरी ननंद लगती है जो हम लोग का बारी के बगल में, वीडियो में आप लोग देखे होंगे, उन लोग काम कर रही थी, तो वो आ रही थी घर, बट वो आ रही थी पैदल। तो मेरी सासू माँ बोली कि जाओगी तो जाओ, बट पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं बोली थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए, और ज़्यादा भी दूर नहीं होता है। तो मैं मतलब उसी के साथ पहले ही आ गई, फिर आके मैंने ब्लॉग एडिट करा और फेस वगैरह धो के अच्छे से बाल वगैरह बना के और अभी रेडी हुई। उसके बाद मम्मी लोग भी आ गई अभी, तो मैंने अभी ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है। और गाइस, ने परसों ब्लॉग मतलब ब्लॉग अपलोड नहीं की थी, बट मैं ब्लॉग बनाई थी बट ब्लॉग अपलोड नहीं की, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब मेरा फ्लिपकार्ट से हैंगर आया था, तो मैं उसी का ब्लॉग बनाई थी, बट मैं ब्लॉग अपलोड ही नहीं की। और क्यों नहीं की? क्योंकि मतलब मेरा ब्लॉग जो था वो डिलीट कर दिया मैंने गलती से। मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा भर चुका था, मैं हमेशा ब्लॉग वगैरह बनाती रहती, तो मेरा गैलरी भर गया था। तो मैं सोची कि कुछ कुछ डिलीट कर देती हूँ जिससे खाली हो जाएगा, बट मैं गलती से वो वीडियो डिलीट कर दी। और रिसेंटली डिलीट होता है वहाँ से भी जाके मैं डिलीट कर दी गलती से, मिस्टेक से। उसके बाद जब मैं जब टाइम हुआ अपलोड का, तो मैं जब जाके देखती हूँ तो है ही नहीं वीडियो। मतलब फिर मैं मतलब मेरे को याद आया कि मैं लगता है गलती से वो भी वीडियो डिलीट कर दी। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा, एकदम ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैं इससे भी अपने हस्बैंड से भी बात नहीं कर रही थी। वो फिर वो भी बोलने लगे कि हम क्या करें, मतलब हम क्या किए हैं जो मेरे से बात नहीं कर रही है ऐसी। मतलब ना एक चिड़चिड़ापन जैसा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमको कि कैसे हो गया मेरे। फिर मैंने बहुत यूट्यूब में बहुत देखा कि क्या आ सकता है वापस, बट वहाँ तो बहुत सारे बता रहे थे, वो सब मैंने किया, बट कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं हुआ, आया नहीं मेरा वीडियो। मैं बहुत बहुत देखी बट नहीं आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बट क्या ही कर सकती हूँ, मेरा ही गलती था कि मेरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, इसलिए उस दिन मेरा ब्लॉग मतलब अपलोड नहीं हुआ था।
तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरा हैंगर आया था तो मैं उसी का वीडियो बनाई थी, थंबनेल वगैरह सारा कुछ बना ली थी, एडिट वगैरह सारा कुछ कर भी ली थी, बस बाकी था अपलोड करना। और इतना क्या में हो गया तो कितना ज़्यादा गुस्सा किसी को भी आएगा, बट क्या ही कर सकती हूँ, कोई दूसरा कोई कर देता तो उसका जान ही ले लेती, बट मेरे से ही हो गया था। मैं अपने साड़ी वगैरह दिखाई थी और हैंगर में अच्छे से सारा कुछ अलमारी साफ की थी और वो सब का ब्लॉग बनाई थी, बट कोई नहीं, मैं एक दिन और ब्लॉग बना दूंगी अपना साड़ी कलेक्शन का। कि अभी मेरे पास ज़्यादा साड़ी वगैरह नहीं है क्योंकि मेरा न्यू शादी हुआ है, और दूसरी बात मैं तो साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बस कहीं जाना आना रहता है तो ही साड़ी पहनती हूँ, बाकी तो नहीं उतना पहनती हूँ, इसलिए मैं उतना अभी और नहीं हूँ, तो धीरे धीरे आएगा साड़ी तो। हाँ, और अभी कुछ देर में मैं छत पे जाऊँगी, देखती हूँ रील्स वगैरह बना पाऊँगी तो, क्योंकि मैं रील्स नहीं बनाई हूँ और अपलोड कर कैसे करूँगी अगर नहीं रहेगा तो एक दो बचा ही है मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं भी छत पे जाऊँगी तो अगर बना पाऊँगी तो बनाऊँगी, और नहीं बना पाऊँगी तो कल बना लूँगी, क्योंकि वैसा भी कुछ नहीं है। तो अभी और गाइस देख सकते हैं आप लोग, मेरा यहाँ पे पिंपल हो गया है और इतना सारा पिंपल पता नहीं कैसे हो रहा है मेरा, यहाँ भी देख सकते हैं ये जो निशान दिख रहा है, ये सब पिंपल हुआ था और ठीक हो चुका है, उसी का निशान है। और ये निशान भी मिटने में इतना दिन लगता है ना, क्या ही बोले, यहाँ पे पूरा हुआ था मेरा पिंपल और ठीक हो गया था, वो तो मैं दूसरा फेस वाश यूज की थी इसीलिए हो गया था मेरा पिंपल, बट अभी पता नहीं क्यों हो रहा है, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं है फिर भी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पिंपल हुआ है और एक यहाँ वाला तो थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे और एक हुआ था जो कि ठीक हो गया, जो निशान अभी भी है, इतना सारा पिंपल हो रहा है मेरा। इधर बचा है, ये काल बस बच गया, बाकी ये भी इसका भी काम तमाम है, यहाँ का भी ये भी बच गया, ये एरिया भी बच गया, बाकी ये और ये हमेशा होते रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है। बट सो गाइस, तो अभी मैं अपने कपड़े मोड़ लेती हूँ जो सुबह में धोई थी, और मैं कल गई थी तो वहाँ क्या बोलते हैं उसको, टूटी झरना मंदिर, जो कि मैं अभी ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग वहाँ पे जाके मेरा आईडी में, तो मैंने उसका भी ब्लॉग मतलब बनाया था तो वो भी मैंने डाल दिया। और मैं क्या नाम है उसका, पानीफल, तो आने टाइम पानीफल दी थी जो कि अभी है ही, तो चलो मैं जाती हूँ अभी उसको खाऊंगी पहले, उसके बाद जो कपड़े उसको मतलब अच्छे से मोड़ के मेरे को अलमारी में रखना है रख लूँगी, उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। और अगर शाम नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि अभी तो शाम होने वाला है, बट शाम नहीं हुआ रहेगा तो मैं मतलब वीडियोस बनाऊँगी, रील्स बनाऊँगी, बट शाम हो जाएगा तो कैमरा अच्छा नहीं आता तो मैं ही बनाऊँगी, तो चलिए देखते क्या होता है। सो गाइस, मैं गई थी छत पे और छत पे से अभी आ गई हूँ, और अभी बाबू को खिला रही थी, डेली खाना बना रही है, तो और अभी मेरे हस्बैंड जला दिए हैं आलू चॉप, तो मैं जा रही हूँ अभी इसको खाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरे को आज बहुत जोर से भूख लग रहा था, तो मैंने बोला और कुछ तीखा सा खाने का मन कर रहा था, तो ऐसा मैं कुछ बोले थे तीखा सा ऐसा कुछ मिलेगा तो, बट तो वैसा कुछ नहीं मिला तो फिर यही ला दी, तो इसी से काम चला लेते हैं। वैसे भी खाना बन रहा है और भूख भी लगा है जोर से, तो खाना बन जाएगा तो डायरेक्टली खाना ही खा लूँगी। बारी गई थी ना तो पैदल आई, और थोड़ा दूर भी है तो पैदल ही आई, इसमें थोड़ा सा थक भी गई हूँ, तो आज थोड़ा मैं जल्दी ही सो जाऊँगी, ताकि क्या बस जल्दी ही सो जाऊँगी। सो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया है और ये मेरा पिंपल धीरे धीरे और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, पता नहीं कितना सारा मेरा पिंपल हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक,
आना है तो सब एक ही बार आ जाओ और एक बार ठीक भी हो जाओ, बट एक ठीक होते है फिर एक आ जाता है, एक ठीक होता है फिर एक आ जाता है। और ये वाला पिंपल तो कुछ ज्यादा ही मतलब दुख भी रहा है पूरा, पता नहीं क्या है ये। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।